महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचकर प्रभु को पूछना पड़ा, शुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव ने सुनि रघुबर आगम मुनि आगे आये। शुचि अंतर और बहिर पवित्र आश्रम, प्रभु प्रसन्न हो। हमारा घर कैसा हो, अंत बहिर पवित्र हो। फल हैं, लगता है इनको कोई खाने वाला नहीं है। इनको देखकर मुझे भूख लग गई है, आज्ञा हो तो मैं खा लूं। माँ ने कहा, लाला इसके रखवाले बड़े मोटे मोटे बलवान बलवान हैं। बाबा बोले, उनका भय मुझे नहीं है माँ, आप मन में सुख मानो तो मैं प्रारंभ कर दूं। मां को क्या भय था, कहीं मेरे लाला को कोई मार न दे, ईंट न मार दे, डंडा न चला दे। मां की ममता है। बाबा ने कहा, तिनकर भर भय माता मोही, उनका कोई भय नहीं है, आप मन में सुख मानो तो मैं प्रारंभ करूं। अब देखिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग मने ऐसे हर घर में हर संस्था में, छुड़ा नहीं, क्यों आम लाए हो इतना बढ़िया, फन मारे रहेंगे, जब तक सड़ नहीं जाएगा न खाएंगे न खाने देंगे। रावण भी रखवाली तो करता था, कराता था, लेकिन खाने नहीं देता। जहां हनुमान जी पहुंचेंगे, देखो खाने पीने का कोई सामान खा जाए बच्चा तो खाने पीने के सामान को चोरी नहीं माना जाता है, ऐसा कन्हैया ने कहा है। कोई रखे हो ताला तोड़ के खा जाओ, खाने में चोरी नहीं है, वस्तु उठाने की चोरी है। मेरे सरकार ने तो चौर मंडले बना रखा था, श्रीमद भागवतम में ऐसा वर्णन आता है, सरकार की कृपा से खाने पीने को रोको नहीं। हाँ, खत्म होने के पहले बता दो कि मैं इसको समाप्त कर दिया हूं, तो दूसरा ले आके रखे। ऐसा नहीं कि एकदम सपाचट खा जाओ तो मर्यादा भी जाती है ना, ऐसा नहीं करना। इसको आप ये न लगाना कि मैं चोरी को बढ़ावा दे रहा हूँ, भाई मेरा हेतु ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि बच्चों का मन बिलबिलाए ऐसा संग्रह दोषपूर्ण है, इसी को स्वभाव की दरिद्रता कहा गया। खाना दो, हम तो पूजा में रहें, कोई छोटा बच्चा आके थाली से उठा लेवे ना तो हमको उलझन नहीं होती है। क्यों, ये भी छोटा बच्चा, वो भी छोटा बच्चा, लल्ला का लल्ला खा गए, लियो गया, क्या दोष। भगत लोगों को बहुत उलझन होती है, भोग कर रखा, खा गया, कौन खा गया, भगवान ने ही बुलाया और कहा कि खा जाओ, खा गए। भगवान 5 वर्ष के बालक में जीव बुद्धि नहीं मानते, प्रभु भगवत बुद्धि मानते हैं। इसलिए बालक बालिका जब तक बाल अंक का गर्भ में उत्पन्न बाल जब तक न उतर जाए तब तक बालक को न मारो न डांटो, जीव बुद्धि समाप्त करो, न प्रणाम कराओ उसको, तो प्रणाम करो, वो भगवान का स्वरूप है। भगत हो तो इसको जानो, बच्चों को त्रास नहीं, धीरे धीरे आपका देखकर बच्चे अपने आप सब सीख जाएंगे, आप अपने शिक्षण प्राप्त करो। देखो श्री हनुमान जी महाराज से माँ ने कहा, जाइए। अरे क्या बात, हनुमान जी ऐसा नहीं कि जाकर तोड़न लगे, माँ ने क्या कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि कह हो जाएगी।
क्या कहे वो? रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर भले आ। ऐसे नहीं, श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों को हृदयस्थ करते हुए, क्यों? जब हृदय में रहेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, भोग लगाएंगे, प्रभु पाओ फिर पाओ, यही बात। कहीं भी रहो बिना भगवान को भोग लगाए नहीं, प्रभु प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, हो गया, जय हो, पाओ। बिना भगवान को पवाए नहीं पाना चाहिए। तुम्हें ही निवेदित भोजन हरि व्यापक सर्वत्र समान। हमारे गांव के पास एक पंडित जी रहते थे, वो अपने भगवान को एक डिबिया में बंद करके लेके चलते थे, याद है? कहीं भी उनको कुछ दे दो, रुको भगवान को खिला ले, ये ले खाओ प्रभु, खा लिए, बैठो प्रभु, और खाने लगते थे। सरकार शालक राम जी की डिबिया वो लेके चला करते थे, चंदा डी वाले लाल वाले कपड़े वाले पंडित जी, कहीं भी काजू बादाम दे दो, फल दे दो, आओ प्रभु, खाओ प्रभु, बैठो प्रभु, लाओ प्रभु। शुरू कहते हैं कैसे होगा? सब होगा जी, चाहे करना तो सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? आप कथा में बैठे हैं, क्या क्या नहीं जीव कर लेता। एक दिन कोई सूचना दे रहा था, सोना पहन के कोई नहीं आएगा, क्यों? अब किसी का कोई ले गया होगा, ये तो राम कथा है भैया, जो भावना करोगे उसी से पूर्ण हो जाएगी। लेकिन सावधानी, क्यों? हर तरह के, अभी इतनी संख्या में कौन जानता कौन किस निमित्त से आया है, ये तो राम कथा कली कामद गाई, जो कामना लेके आया उसकी कामना अवश्य पूरी होती है, तो जिसके पास है उसको सावधान रहना चाहिए, ठीक है? श्री हनुमान जी महाराज ने माँ को प्रणाम किया, चले भाई जी, चले वो नाई रही तहां बहु भट रखवारी, रही तहां बहु भट रखवारी, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, नाथ एक यावा कपि भारी, नाथ एक यावा कपि भारी, तेही अशोक वाटिका उजारी, तेही अशोक वाटिका उजारी, आय सिखल यरु पिट पबु पारे, आय सिखल यरु पिट पबु पारे, रक्षक मर्ति मर्ति महिदारे, रक्षक मर्ति मर्ति महिदारे, सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देख गर्जउ हनुमाना, तिनहि देख गर्जउ हनुमाना, तिनहि देख गर्जउ हनुमाना, तिनहि देख गर्जउ हनुमाना। रावण को खबर मिली कपि आया है, कितना बड़ा भारी कपि आया है, अशोक वाटिका उजा रहा है। राम ने अनेक वीरों को भेजा, हनुमान जी महाराज, सब रजनी चर कपि संघार, सब रजनी चर कपि संघार, गए पुकारत कछु वध मारे, गए पुकारत कछु वध मारे, उनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, उनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देख बिटप गई तरजा, आवत देख बिटप गई तरजा, अक्षय को आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय पर दे मारा, जय श्री राम। अक्षय का आवत देख बिटप गई तरजा, आवत देख बिटप गई तरजा, काहिनि पाति महा धुनि गरजा, काहिनि पाति महा धुनि गरजा, कछु मारसि कछु मर्दसि, कछु मिलसि दरि दूर, कछु कुन जाइ तुम्हारे, रघुमर भट बल दूर,
साथ जो आए थे, देखिए क्या लिखा बाबा ने, तो बात कछु मारिस कछु मरदेसी कछु मिल कुछ को छोड़ा कछु बन जाय पुकारी प्रभु मर कट। अब इसकी कोई संख्या नहीं है कितने को मारे, कछु मारे कछु मरदेसी अब कुछ को धूर में रगड़ दिया हनुमान जी मारे एकदम। इस सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, रगरिकल स्ट्राइक हनुमान जी ने रगड़ दिया, रगड़ा दिया धूर में लपेट दिया। कछु मिलिए सिधरी और कुछ को खबर देने के लिए छोड़ दिया हनुमान जी ने, कछु बोने जाय प्रभु मर कट बल प्रभु मरकट मरतव है कटतव है। तेज है ए वानर का स्वभाव है, वानर वानर ऐसे नहीं मारते, वानर लपड़ियाते हैं। भगवान न करे आप में से किसी को अनुभव हो, एक नहीं मारते हैं फिर कई मारते हैं। एक बार आश्रम पर पंडाल लगा था तो काले लंगूर को देखकर ये गोरे वाले नहीं आते, तो पंडाल वाले भाई ने 1,000 रुपया प्रतिदिन पर एक लंगूर ले आए, तो वो 4-5 दिन तो खूब सबको ललकारा, लेकिन बताते हैं लोग कि 8वें दिन एक साथ पूरी अयोध्या से कम 1,500 वानर है, सबसे मोटे उनसे दुबले फिर उनसे दुबले, छुटकी छुटकी भी, और इतनी जोर की चढ़ाई किए कि वो बेचारा भाग के छिप गया। अब आप कहेंगे मनुष्यों का संगठन, अरे भैया जब आ जाती है ना तो जीव नहीं जानवरों का भी बड़ा जोरदार संगठन बन जाता है, सबका बांध के लाना, जानता है यदि मारने के चक्कर में पड़ेगा तो खुद ही ना निपट जाए बेचारा। देखिए पंक्ति, मारे से जन सुत बांधे सुताई, मारे से जन सुत बांधे सुताई, देखी कपी कहां करे आए, देखी कपी कहां करे आए, जला इंद्रजीत यतुलित जोधा, जला इंद्रजीत यतुलित जोधा, बंधु निधन सुने मुख जाग क्रोधा, बंधु निधन सुने देखा तारुण भट आवा, देखा तारुण भट आवा, कट कटाई कर जाय रुखावा, कट कटाई कर जाय रुखावा, कट विशाल तरु एक उपारा, विशाल तरु एक उपारा, तेरत के निलंकेश कुमारा, तेरत के निलंकेश कुमारा। श्री हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ कर उसके रथ पर दे मारा, जय श्री राम। मेघनाथ आकाश में उड़ गया, अच्छा फिर हनुमान जी सोचने लगे क्या करूं क्या न करता। रही महाभट्टता के संगा, रही महाभट्टता के संगा, रही गई हनुमान जी रगड़ने लगे उनको, अपने रोम रोम को कड़क करके रगड़ने लगे, त्राई त्राई करने लगे। हनुमान जी ने कहा उसको बुलाओ, त्राहिमाम युवराज त्राहिमाम त्राहिमाम, अब आ गया ये रगड़े जा रहे हैं बेचारे। अब छोड़ दिया हनुमान जी, मेघनाथ से युद्ध होने लगा, एक मुष्टिका से हनुमान जी ने उसके शीश पर रख दिया, जय श्री राम। मेघनाथ मूर्छित हो गया, ताही एक छन
मेघना सोचने लगा, अरे राम रे राम, मेरे एक मुष्ट का मारा तो ये गति हो गई, दूसरी मारेगा तब क्या होगा। भय हुआ उसको, ना 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 ना। अब ब्रह्म है अस्त्र ते हिसा, कपि मन के जो न ब्रह्म शर्मान महिमा। ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी के प्रति ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ये अंतिम अस्त्र है सृष्टि का। इसको छोड़ने की क्षमता तो सब में है, परंतु शांत करने की क्षमता सब में नहीं है।